अगर कोई आपको विदेश में नौकरी दिलवाने के नाम पर सपने दिखा रहा है तो जरा होशियार हो जाइए, वरना आप ठगी का शिकार हो सकते हैं। यूपी के शाहजहांपुर में विदेश में नौकरी के नाम पर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है। यहां आर्मेनिया में नौकरी दिलवाने के नाम पर दर्जन भर युवकों से लाखों रुपए ठग लिए गए। ठगी के शिकार युवकों ने भारत आकर आधा दर्जन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस मामले में जांच में जुटी हुई है। विदेश में नौकरी के नाम पर ठगी के शिकार हुए ये तीनों युवक थाना बंडा के बरीवरा इलाके के रहने वाले हैं, जिन्हें आर्मेनिया में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगा गया। यहां ये अकेले ठगे गए युवक नहीं हैं, बल्कि ऐसे लगभग एक दर्जन सिख युवकों को ठगी का शिकार बनाया गया है। दरअसल इलाके के रहने वाले बलविंदर सिंह का बेटा जसविंदर सिंह को आर्मेनिया देश में नौकरी करता है। यही दोनों ठगी करने वालों के सरगना बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी बलविंदर ने इन युवकों को परिवार वालों को विदेश में नौकरी दिलवाने का झांसा दिया, जिसके बाद तीनों युवकों को टूरिस्ट वीजे पर आर्मेनिया भेजा गया। यहां उनसे दोबारा से लाखों रुपए वसूले गए, लेकिन उन्हें वहां कोई नौकरी नहीं मिली। इन युवकों ने किसी तरह से वहां से अपना वक्त काटा। बाद में टूरिस्ट वीजा खत्म होने पर आर्मेनिया सरकार ने तीनों युवकों को देश छोड़ने के लिए कह दिया। इसी तरह से तीनों युवक हिंदुस्तान वापस आ गए। युवकों की माने तो इलाके के लगभग एक दर्जन युवक इसी तरह से आर्मेनिया जाकर ठगी का शिकार हुए हैं। पीड़ितों का यह भी कहना है कि जब यहां आकर उन्होंने अपना पैसा मांगा तो ठगे जाने का आरोप लगाया तो उनको जान से मारने की धमकी दी गई। परिवार वालों का कहना है कि उन्होंने अपने बच्चों को ब्याज पर पैसा लेकर विदेश में नौकरी करने के लिए भेजा था, लेकिन आज भी वह आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं ताकि किसी और के साथ इस तरीके की ठगी ना हो सके। फिलहाल पूरा परिवार बेहद परेशान है। ठगी की घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी अपने घर से फरार बताए जा रहे हैं। फिलहाल पीड़ितों की तहरीर पर पुलिस ने विदेश में नौकरी के नाम पर ठगी करने वालों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। विदेश में पैसा कमाने का सपना हर कोई देखता है, लेकिन ऐसा कई बार हुआ है कि जब विदेश में भेजने के नाम पर या फिर विदेश में नौकरी के नाम पर उनके साथ बड़ी ठगी की गई है। ऐसे में अगर आप अपने लाडले को विदेश भेजने जा रहे हैं तो जरा संभल कर हर चीज की तस्दीक कर लें, ताकि आप विदेश भेजने के नाम पर हो रही ठगी से बच सकें। सर, वर्क वीजा बताकर उसने टूरिस्ट वीजा हमें दिया और कहा कि वहाँ आ जाओ तो मैं काम दिला दूंगा। वर्क वीजा बता रहा था कि वर्क वीजा दूंगा तो मैं वर्क परमिट पर काम दिलाऊंगा, और कहा कि 45,000 सैलरी है वहाँ। ऐसा कुछ नहीं है वहाँ, अपने इधर के 15,000 से 21,000 हाईएस्ट सैलरी है वहाँ, वो भी काम अगर मिल जाए। काम मिलता ही नहीं है वहाँ, सब ऐसे वहाँ अपने इधर का 1 रुपये उधर के 7 रुपये हैं। इस हिसाब से हमें बताया, 4.5 लाख रुपए लिया हम लोगों से और हमें बुला लिया वहाँ। हम भूखे रहे, कुछ नहीं काम मिला, 2.5 महीने वहाँ बैठकर हम वापस आ गए। सर, क्या कार्रवाई चाहते हैं आपको? सर, मैं चाहता हूँ कि मेरे पैसे वापस करें। मैंने पुलिस को भी तहरीर दी पर पुलिस अभी कोई कार्रवाई नहीं कर रही। हमें सर बुला लिया गया, हमें ये बताया कि वर्क परमिट वीजे पे तुमको काम दिलवाएंगे। 45,000 रुपये सैलरी बताई थी, वहाँ पर हमें जाकर काम कुछ नहीं मिला सर। ऐसे 2-2.5 महीने लमसम में ऐसे घूमते रहे, फिर बाद में घर वालों से कहा कि हमारी टिकट करवा दो तो वापस हम आए हैं। सर, हमने जमीन गिरवी डाल के पैसा बना के दिया लड़का को, वही ने आगे से उन्हें ठग लिया है दसविंदर ने। हम बहुत परेशान हैं इस टाइम, बच्चा हमारे में छोटे छोटे वो भी परेशान है। जगह हमारी बन रही था, हमने बेबी बंद कर दी और पैसा हमारा 4.5 लाख रुपया इन्हें हजम कर लिया। अभी हमें ये है भाई, पैसा हमें मिलना चाहिए, हमें इससे कोई हमारी कोई नाराजगी नहीं, हमारा पैसा वापस दे दे, हमें कोई नाराजगी नहीं है। तो देखिए, बंडा थाना क्षेत्र का मामला है, उसमें दोनों लोग परिचित ही थे, दोनों सरदार हैं। इनमें से एक ने ये वादा किया था कि हम अब तुम्हारे लड़के की विदेश में नौकरी लगवा देंगे तो मुझे कुछ पैसे खर्च करेंगे। इस लिहाज पर उसने लगभग 4.5 लाख रुपये का वादा किया था कि उसने हमें दे दो तो मैं नौकरी लगवाऊँगा। इसने पैसा दे दिया, इसके बाद भी कोई नौकरी नहीं लगी। तो ठगी का मुकदमा थाना बंडा पंजीकृत किया गया है, उसकी विवेचना जारी है। विवेचना में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।